हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑनलाइन ट्यूशन हिंदी एंड माय स्मार्ट टिप्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पीएचपी वेबसाइट बनाने की सीरीज में ये 6th पार्ट है और आज हम इस पार्ट में सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर फोल्डर्स में सॉन्ग कैसे अपलोड करें और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट वो कैसे लगाते हैं, और अगर हमें इंटरनेट से URL से सॉन्ग अपलोड करना है तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे ये सारे वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th जो कि बनाया है स्टार्ट से, कैसे डोमेन रजिस्टर करना, होस्टिंग के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में सारा कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया। आप हमारे ये वीडियो देख सकते हैं और आप खुद की भी अपनी PHP वेबसाइट बना सकते हैं जिस पर आप अपने DJ सॉन्ग या कोई भी अपने फेवरेट सॉन्ग अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही सीखेंगे हम अपनी वेबसाइट में सॉन्ग कैसे अपलोड करते हैं और लेटेस्ट अपडेट कैसे लगाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें करना है अपने वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉगिन। तो यहाँ पे मैं एडमिन पैनल में पहले से ही लॉगिन हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले से इसमें लॉगिन हूँ, तो आपको इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है फोल्डर पर। फोल्डर पर जाने के बाद यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने फोल्डर बनाना दिखाया था आपको, तो यहाँ पर मैं देखिए मैं एक और फोल्डर फिर बना लेता हूँ। मैं बना देता हूँ यहाँ पर DJ सॉन्ग्स के नाम का फोल्डर। DJ सॉन्ग्स के नाम का मैंने फोल्डर बनाया और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मैं साइट में देखूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो मेरे दो फोल्डर यहाँ पे आ जाएंगे। दो फोल्डर आने के बाद यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, जो मैंने पहले बनाया बॉलीवुड सॉन्ग वो नीचे आ रहा है और जो मैंने अब बनाया वो ऊपर आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बॉलीवुड सॉन्ग ऊपर चाहिए और ये DJ सॉन्ग नीचे चाहिए, तो इसको कैसे कर सकते हैं देखिए। तो यहाँ पर देखिए फोल्डर आ रहा है, फोल्डर के आप यहाँ पर देख रहे हैं DJ सॉन्ग, यहाँ पर एड फाइल का ये फोल्डर आ रहा है, यहाँ पर इसका देख रहे हैं 1 और इसका देख रहे हैं 2। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं 2 दे दूँगा नाम, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। तो देखिए अब साइट को रिफ्रेश करते हैं, देखिए बॉलीवुड सॉन्ग्स हमारा ऊपर हो जाएगा, DJ सॉन्ग नीचे हो जाएगा। तो मुझे इसके अंदर कुछ सॉन्ग अपलोड करने हैं, तो देखिए मैं आपको सॉन्ग अपलोड करके दिखाता हूँ कैसे करने हैं। तो हमें करना है यहाँ पर देखिए DJ सॉन्ग्स का फोल्डर है, तो हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पर देख रहे हैं आप एड फाइल, एड फाइल पर जाना है, एड फाइल पर क्लिक करना है। तो एड फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है अपलोड फ्रॉम URL। तो हम पहले चलिए सबसे पहले हम इसमें कर लेते हैं URL से अपलोड। तो चलिए URL से अपलोड कर लेते हैं, किसी हम वेबसाइट से ले लेते हैं। देखिए एक वेबसाइट है, मैंने अभी इसको बना के दिया यूजर को, ये साइट मैंने बनाई है, बना के दिए, इसका ये टेक स्क्रिप्ट की वेबसाइट है। तो इसमें से हम देखिए कोई सॉन्ग उठाते हैं, देखिए मैं इसको उठा लेता हूँ, ये वाला उठा लेता हूँ। तो ये हमने इस पर क्लिक किया, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इसका डाउनलोड लिंक शो हो रहा है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। तो डाउनलोड लिंक शो होने के बाद ये यहाँ पे देखिए सॉन्ग प्ले हो रहा है। तो इसको URL से अपलोड कैसे करना है, तो आप यहाँ से देखिए इसके एड्रेस बार में जो ये URL आ चुका है इसको भी कॉपी कर सकते हैं, या यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन हमें शो हो रहा है, तो हम इस पर क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कॉपी वीडियो एड्रेस, यानी कि ये वीडियो सॉन्ग है इसलिए तो यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से URL को सिलेक्ट कर लेते हैं एड्रेस बार में, और इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद URL को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप, तो यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन है, ये अपने कंप्यूटर से आपको सॉन्ग अपलोड करना है, तो उसके लिए अगर हम URL से अपलोड कर रहे हैं तो हमें इसको अभी नहीं देखना है। फाइल नेम आप इसमें जो अपना फाइल नेम देना चाहें वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आपको इसको एम्प्टी छोड़ना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उसकी साइट नेम का फाइल नेम यहाँ पर उठा लेगा। तो हम इसको अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहने देते हैं। आर्टिस्ट आप इसमें डाल सकते हैं, जिस आर्टिस्ट को आप डालना चाहें उसको डाल सकते हैं। एल्बम नाम आप इसको दे सकते हैं, तो मैं इसको दे देता हूँ DJ सॉन्ग्स का। फाइल का थंब आप इसमें लगाना चाहें तो फाइल का थंब भी यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, देखिए मैं इसको एक उठा करके दे देता हूँ। और यहाँ पर न्यू आइटम टैग का ये ऑप्शन है, अगर इसको आप डिसलेक्ट कर देंगे तो न्यू आइटम वहाँ पर आपको शो नहीं होगा, जैसे आप सॉन्ग अपलोड करते हैं तो इसको सिलेक्ट कर देंगे तो वहाँ पर सॉन्ग के ऊपर आपको ये न्यू सॉन्ग का एक आइकन वहाँ पर लगा देता है। तो देखिए मैं इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद मैं इसको देखता हूँ, देखिए रिफ्रेश होता है, ये सॉन्ग यहाँ पे हमारा अपलोड हो चुका है। तो फोल्डर पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं फाइल, एक फाइल आ रही है, कितने MB की फाइल है, हमारी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है URL के थ्रू। तो अब हम इसको साइट में जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करते हैं साइट को, DJ सॉन्ग के अंदर मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि इसके अंदर एक फाइल है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद देखिए जो मैंने यहाँ पे इसका थंबनेल लगाया वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो अब इसको हम देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये प्ले भी होने लगेगा, और देखिए यहाँ पे अब अपनी साइट का नेम आपका यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से ये आपकी साइट यहाँ पर चल जाती है। देखिए
अब यहाँ पे कोई भी सॉन्ग को क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है। तो ये देखिए हमने URL से सॉन्ग को अपलोड कर लिया है। अब हमें अपलोड करना है डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से। देखिए हम क्या करते हैं, एक साइट से इसी साइट से हम एक सॉन्ग और डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए इस सॉन्ग को हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन हमें आ चुका है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ये सॉन्ग डाउनलोड हो रहा है। साइट में बैक चलते हैं, तो ये सॉन्ग डाउनलोड होने तक हम इसमें अपनी साइट में फिर से यहाँ पे जाना है। मुझे इसी सॉन्ग के अंदर फोल्डर को इस DJ सॉन्ग्स के अंदर एक सॉन्ग अपलोड करना है, तो ऐड फाइल पे मैं जाऊँगा। ऐड फाइल पे जाने के बाद इस बार मैं इसको करूँगा ब्राउज, ब्राउज पे मैं क्लिक करूँगा। तो देखिए ये सॉन्ग डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर पर जाता हूँ, इसको देखता हूँ। तो ये डाउनलोड सॉन्ग के अंदर है फोल्डर हमारा सॉन्ग्स, और यहाँ पे ब्राउज पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए डाउनलोड के अंदर ये सॉन्ग मुझे यहाँ पे शो हो गया, ये मैंने डाउनलोड किया। तो इसको डाउनलोड करने के बाद इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ फाइल नेम, आर्टिस्ट नेम और यहाँ पे इसका एल्बम दे देता हूँ, और कोई फाइल आप यहाँ पर लगाना चाहें वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो इस बार मैं दे देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर कोई फाइल थंब दे देता हूँ, देखिए ये वाला दे देता हूँ सॉन्ग्स पे। और इस बार न्यू टाइम को आप हटा देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो आप देखिए परसेंटेज यहाँ पे चल रहा है, देखिए यहाँ पे सॉन्ग अपलोड हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सॉन्ग अपलोड होने के बाद 100% अपलोड होने के बाद हम साइट में रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा सॉन्ग साइट में आ जाएगा। तो देखिए सॉन्ग अपलोड हो रहा है, तो देखिए ये हमारा सॉन्ग अपलोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी एक साइट का सॉन्ग शो हो रहा है, तो अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारी साइट में दो सॉन्ग आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने फाइल थंब इस बार ये लगाया था, ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट पे इस सॉन्ग्स पे क्लिक करते हैं तो ये सॉन्ग हमारा इस साइट में आ चुका है। तो हमारी इस साइट में दो सॉन्ग हमने अपलोड किए हैं, एक URL से और एक डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से। तो हमारे इस फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं दो सॉन्ग्स आ रहे हैं। अब बात आती है लेटेस्ट अपडेट की। देखिए आप लेटेस्ट अपडेट, इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, ये ऑटोमेटिक लेटेस्ट अपडेट लग जाए। अगर वो आएगा तो जैसे ही वो आएगा हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे, वो भी हम इसमें फैसिलिटी आपको देंगे। तो लेटेस्ट अपडेट मैनुअली लगाना पड़ता है, तो मैनुअली कैसे लगाना है, चलिए अब लेटेस्ट अपडेट लगाते हैं। सॉन्ग्स इस फोल्डर के अंदर हमने सॉन्ग अपलोड किए हैं, तो अब इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एडमिन पैनल में आते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं अपडेट्स, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्राउज़र यानी कि एक बॉक्स है, इसमें एक कोड दिया गया है। तो आपको सबसे पहले करना है इस वाले कोड को कॉपी, इस कोड को हमने यहाँ पे देखिए कॉपी कर लिया है, सिलेक्ट ऑल और कॉपी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐड अपडेट्स प्लस, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से टाइटल और उस सॉन्ग्स का लिंक तो आपको शो हो जाएगा। तो यहीं पे इसी तरह से आपको लेटेस्ट अपडेट लगाना होता है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं करना है, अभी हमें इसमें कुछ चेंजिंग करनी है। तो चेंजिंग क्या करनी है आप इसको पहले ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे देखिए फॉन्ट कलर रेड है, यहाँ पे योर फोल्डर नेम, तो आप यहाँ पे फोल्डर नेम डाल दीजिए कि किस फोल्डर के अंदर है। ये फोल्डर सॉन्ग्स DJ सॉन्ग्स के अंदर है, यहाँ पे फोल्डर नेम हमने डाल दिया। और यहाँ पे डालते हैं फर्स्ट ऑन नेट, यहाँ पे डालते हैं योर फाइल नेम, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। हमारी फाइल का नेम क्या है, तो हम इस फाइल का नेम यहाँ पे दे देते हैं, तो इस बार ये वाला ले लेते हैं। फाइल नेम हम यहाँ से उठाएंगे, इतना उठा लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसमें डैश डैश आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ और स्पेस रहने देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये हमने सॉन्ग का नेम, फाइल नेम डाल दिया है। और यहाँ पे अब आगे चलते हैं, फिर क्या देखते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे आप इस बॉक्स में डेट एंड टाइम डाल सकते हैं कि ये सॉन्ग कब अपलोड हुआ है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 06/05/10/2017। तो यहाँ पे हमने डेट एंड टाइम डाल दिया। अब आप एक चलते हैं href, यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है http sunbucks.info, ये एक एड्स का लिंक है, यहाँ से इतना
तो अगर आप कोई इसमें एडवर्टाइज का लगा देते हैं, आप किसी का एडवर्टाइज करते हैं, तो आप उसमें यहाँ पे अपना एडवर्टाइज का यूआरएल डाल दीजिए। तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं फ़िलहाल हैशटैग लगा देता हूँ, ओनली सिर्फ अभी साइट का नेम डाल देता हूँ। आप इसमें कोई अपना यूआरएल डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके सेटिंग कर दिया। इस कोड को मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल करता हूँ और कॉपी करता हूँ। इस कोड को अब मैं इस टाइटल वाले में पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मुझसे लिंक मांगा जा रहा है, तो लिंक आप क्या देंगे, तो इस सॉन्ग्स का लिंक आप कहाँ का लिंक देना चाहते हैं। मैं इसकी इसको डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ का लिंक देना चाहता हूँ, तो ये एड्रेस बार से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इस लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद क्या करूँगा, सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक हमारी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे लग चुकी है। अब लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे तो लग चुकी है, लेकिन अब हमें जाना है साइट के होम पेज पे। साइट के होम पेज पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे होम पेज पे हम क्लिक करते हैं, तो हमें आपकी साइट पे होम पेज पे आए और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे लग चुकी है। ये है यहाँ पे, इस तरह से आप जो कुछ डालना चाहें डाल सकते हैं। डेट एंड टाइम यहाँ पे आ रहा है। डाउनलोड नाउ यहाँ पे आप देख सकें, जो यहाँ पे एड्स का यू आर है आप यहाँ पे लगा हुआ था, डाउनलोड नाउ पे यहाँ पे लगा हुआ था, जहाँ की हमने अब इसमें दे दिया है हैशटैग। तो अब ये साइट का होम पेज ही ओपन करेगा। तो यहाँ पे क्लिक हियर पे जैसे कोई क्लिक करेगा तो इस सॉन्ग का डाउनलोड पेज पे जाएगा। देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे और भी अपनी साइट को मैनेज करना सीखेंगे, और साइट में जैसे कि अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी है या ये टेम्पलेट आपको चेंज करना है, तो आप टेम्पलेट कैसे चेंज कर सकते हैं अपने बिना सॉन्ग डिलीट हुए, यानी कि ये और भी इसका डिज़ाइन, अगर आप किसी साइट का डिज़ाइन आप देखते हैं कि इस साइट का डिज़ाइन अच्छा है, तो उसका हम डिज़ाइन कॉपी कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियोज में सीखेंगे। तो अभी के लिए आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।